बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, आज का जो ब्लॉग है, आज हम जा रहे हैं हैड अब्दुल हकीम पे। बहुत मशहूर जगह है, बड़ी दूर दूर से लोग जो इंजॉय करने यहाँ पे ईद के मौके पर या 14 अगस्त का जो मौका होता है उस मौके पर यहाँ पे आते हैं, बड़ा माहौल होता है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों से करेंगे फ़नी क्वेश्चन और उनकी लेंगे राय कि उनको ईद जो है वो कैसी लगी। तो ज़ाहिद सिद्धू साहब, आपको पता है हसब दस्तूर साबक मेरे साथ हैं, तो इनका व्यू लेते हैं, ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज तकरीबन हम लेट जा रहे हैं, 4 बज गए हैं और ये व्लॉग जो है हमें बाइक पे ही स्टार्ट करना पड़ा ताकि टाइम का ज़्यादा ना हो और हम वहाँ पे पहुँच जाएँ और जितनी भी रोशनी है सूरज के डूबने से पहले जितना हो सके हम रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि स्टूडियो का यही सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डिंग हो सके। तो अब इंशाल्लाह हम पहुँचते हैं और पहले हम रेस्ट करते रहे हैं। ईद के बाद जो है हमने रेस्ट किया, गोश्त बड़ा खाया आज। वो तो फिर रमजान शरीफ के सारे रोज़े रखे थे और भूख काफ़ी लगी हुई थी। भूख तो वैसे मर चुकी है अब हमारी, लेकिन कोशिश की हमने खाने की और इंशाल्लाह बहुत प्यारा व्यूज है। रास्ते में क्या क्या सीन आते हैं वो सारे हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अब अंकल मेरे ख्याल से ना अब थोड़ा सा हम कैमरे को ऑफ करते हैं और थोड़ा सा सफ़र जो है ना वो खींच लेते हैं, जहाँ पे कोई अच्छा व्यू आया वो फिर नाज़रीन को दिखाएंगे। दोस्तों से यही गुजारिश है कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आने वाली है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम चोपर अड्डा पे जो है अड्डे के करीब पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी बाइक साइड पर और सामने साइड पर ये नहर है, बहुत बड़ी चोपट्टा की नहर है। इससे जो है तकरीबन 4-5 नहरें निकलती हैं, छोटी छोटी नहरें। एक शुजाबाद को भी जाती है, एक रुकनपुर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है और एक आगे जो है मुल्तान की जानब जाती है, एक जो है इधर ये दूसरी जो है ये खानेवाल को क्रॉस करके आगे जो है खानेवाल का इलाका वो शराब कर वो मेरे ख्याल में जाती है उधर फुल रंगो की तरफ या वो ये वाली रंगो वाली ये सामने वाली ये वाली। ये देखें यहाँ पर जो है पानी उन्होंने कैसे कंट्रोल करके छोटी नहरों को दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। जब सिलाब आते हैं तो उस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी पानी होता है। नाज़रीन यहाँ से गुजर रहे थे, ये देखें आज ईद का दिन है और ये चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन है। इस वक्त हम जो है मेन रोड जो है जंग रोड उस पर जो है जाने वाले हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं। ये मेन रोड है और ये साइड जो है ये मुल्तान की जानब जाती है, ये साइड जो है ये शोरकोट की जानब और इस तरफ हम जाना है यानी कि अब्दुल हकीम की ये जाती है। पाकर से हम जाएंगे इंशाल्लाह अब्दुल हकीम की जानब। अच्छा अंकल, वो जो है ना मुझे याद करवाना, मेरे ख्याल से दुकानें बंद हैं, वो गंदम को बांधने वाली रस्सियाँ नहीं होती वो लेके जानी है हमने। हाँ, अब मेरे ख्याल से तो ये शॉप्स वगैरह सारी बंद है, खाने वाली का दिन है क्योंकि दुकानें तो बंद होंगी, शायद रात को खुले, लेकिन मुश्किल है। वैसे ईद वाले दिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है, ईद इंजॉय करते हैं सारे, क्योंकि सारी ज़िंदगी कमाई करते हैं, साल बाद ये ईद आती है। नाज़रीन, इधर भतीजे ने जो है ब्रेक लगाई है, इसको रोड के नज़दीक जो है ना प्यारे प्यारे अमरूद नज़र आए हैं, तो ये कहता है कि चाचू को आज अमरूद खिलाऊं। अमरूद वैसे ताज़े हैं, साथ ही बाग है, यहाँ से जो है तोड़ के इन्होंने मेन रोड के साथ जो लगाए हुए हैं। सर जी क्या रेट शेट चल रहा है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये नाज़रीन ताज़े अमरूद, बहुत ही खूबसूरत और बड़े टेस्टी। जी नाज़रीन, हमने तकरीबन आधे घंटे का सफ़र किया है और इस वक्त हम अब्दुल हकीम के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे रास्ते में आ रहा है मोटर पे, यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पे है। यहाँ से जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर जाना चाहें तो यहाँ से आराम से जो है मोटर वे से आप जा सकते हैं। अब्दुल हकीम इंटरचेंज जो है यहाँ का मशहूर है। साहब कुछ कहेंगे? जी यही, मैं इंटरचेंज के बारे में भी ही बता रहा था कि यहाँ से आप जो है मुल्तान भी जा सकते हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और मेरे ख्याल में यही है। इस साइड पे अगर जाएँ तो मुल्तान की तरफ जाता है, इस साइड में जाएँ तो फैसलाबाद और
जाएं, जिधर जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। आगे बुद्धले का पुल है जो सूर्यपुर की जानब जाता है और काफ़ी ऊंचा पुल है। नादिर ये इंटरचेंज की दूसरी साइड है। अब्दुल हकीम से आप जा सकते हैं मुल्तान, कराची, ये सब में साइन बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। लेकिन शहर में हम दाखिल होने वाले हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी है और वहाँ हम पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके अगला जो सीन है वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारा व्लॉग तो था अब्दुल हकीम तक, लेकिन मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है बाबा अब्दुल हकीम साहब की, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि उसमें जो गोली है उसके मुतलक दोबारा इंटरव्यू जाके करें, तो हम यहाँ करने लगे इंटरव्यू, यहाँ अपनी वीडियो का करते हैं एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।